में दरख्त काटने के मामले पर दो भाइयों में झगड़ा हुआ, 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। झगड़े में एक खातून जख्मी, पुलिस की नफरी जाए वकूआ पर पहुंच गई। फायरिंग से कत्ल होने वालों में 3 सगे भाई बताए जाते हैं। जख्मी खातून और मकतूलीन की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक दरख्त काटने के मामले पर एक बरादरी के लोगों में तसादुम हुआ। झगड़े के बाद दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। सखर से नुमाइंदा कैपिटल टीवी इमदाद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। इमदाद, बताइएगा क्या मामला है ये? हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है। सखर जिले के तमाचानी थाने के हदूद इलाके में शेख बरादरी के 2 भाइयों में दरख्त काटने के मामले पर होने वाले इस झगड़े में दोनों भाइयों और उनके हमाइयों ने एक दूसरे पर जदीद असले से फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 5 अफराद मौके पर ही गोलियां लगने से हलाक हो गए, जबकि एक खातून जख्मी हो गई। फायरिंग के इतला पर पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंचकर सूरताल पर कंट्रोल कर लिया और मकतूलों की लाशें और जख्मी खातून को सिविल हॉस्पिटल सखर पहुंचाया, जहां पर खातून भी जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। SSP सखर संघार मलिक ने भी झगड़े में 6 अफराद के कत्ल होने की तस्दीक की है। वाकई के बैद इलाके में खौफ और राहत फैल गया है, जबकि पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद है। मकतूलों में 3 सगे भाई बताए जाते हैं। मकतूलों की शनाख्त मुस्तफा नसरीन, गुलाम नबी, गुलाम अकबर, गुलाम मोहम्मद, परवेज और अवेज के नामों से की गई है। सिविल हॉस्पिटल सकर में अब मकतूलों का पोस्टमार्टम जारी है। जी बहुत शुक्रिया इमदाद, आपने अपडेट किया। लाहौर हाईकोर्ट बेंच में कंदील बलोच कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने कंदील बलोच कत्ल केस के मरकजी मुलजिम वसीम को बरी कर दिया है। जस्टिस सुहेल नासिर ने राजीनामा होने और गवाहान के मुनहरिफ होने पर मुलजिम को बरी किया। मुलजिम वसीम की जानिब से एडवोकेट सरदार महबूब ने दलाइल पेश किए। मुलजिम वसीम को 27 दिसंबर 2019 को मुल्तान की मॉडल कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। लाहौर हाईकोर्ट बेंच में कंदील बलोच कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने कंदील बलोच कत्ल केस के मरकजी मुलजिम वसीम को बरी कर दिया है। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। पेट्रोल 8.50 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। समरी इरसाल कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5.50 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़। कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ओगरा की समरी पर हतमी फैसला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं सियासतदान बड़े बड़े दावे करते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तस्वुर बेनज़ीर भुट्टो ने पेश किया था। कराची के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इदारे का किरदार अहम है। कराची के हेल्थ केयर का अमला पूरे मुल्क के लिए मिसाल है। हम चाहते हैं कि तिब्बी इदारे आलमी मयार पर पूरा उतरें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पूरी कम्यूनिटी को इंगेज करके काम करना काबिल तारीफ है। SIUTs के साथ पार्टनर करके ना सिर्फ कराची में उनका फैसिलिटीज़ में बेहतरी लेकर आएँ, मगर उन इलाके तक पहुँचे जहाँ पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि SIUT जैसे फैसिलिटी हो। वाहिद अदारा था जहाँ वो एक साइबर नाइफ के थ्रू आप मुल्क भर के शहरियों को मुफ्त इलाज पहुँचा रहे हैं। और अब जब मैं से आपके पास वापस आया हूँ तो आपके पास ना सिर्फ एक मगर 2 साइबर नाइफ मशीन्स हैं और आपने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब आप दुनिया में वो वाहिद इदारा है जिसका 2 साइबर नाइफ मशीन्स है और वो दोनों मुफ्त इलाज करवाने हैं। डॉक्टर अदीब रिजवी साहब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक मिसाल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात और सियासी हिकमत अमली पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि इतिहादी हमारे साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे। अपोजिशन के बयानिए का मुकाबला कारकर्दगी से करेंगे। डैम्स, हेल्थ कार्ड, एहसास कामयाब जवान प्रोग्राम पर बात करने की हिदायत की गई। फलाही मनसूबों से मुतालिक इकदाम को अवामी सतह पर उजागर करें, वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया। वज़ीर आज़म का ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मखसूस मुहिम पर सख्त इजहार नाराज़गी। ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मुहिम नाकाबिल बर्दाश्त है, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से यह कहा गया। वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब कहते हैं शहबाज शरीफ ने सलमान शहबाज को इश्तिहारी करवाया हुआ है। शहबाज शरीफ सलमान शहबाज को बुलाएं, उनको कौन सी बीमारी है। शहबाज शरीफ के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल केस वाज़े है। मकसूद चपरासी के अकाउंट में करोड़ों रुपए मुंतकिल हुए। शहबाज शरीफ घबराए हुए हैं। आसिफ जरदारी के पाँव पकड़ लिए हैं। मकसूद चपरासी के अकाउंट में करोड़ों रुपए मुंतकिल हुए। फ़ारूक हबीब ने कहा कि हुकूमत को गिराना इन लोगों के बस की बात नहीं। एहतसाब शुरू होता है तो ये एनआरओ की कोशिश शुरू कर देते हैं। सलमान शहबाज को शहबाज शरीफ ने मफरूर करवाया हुआ है, उसको इश्तिहारी कराया हुआ है। मैं आज शहबाज शरीफ को कहता हूँ ये जो इधर उधर टामक टोइयाँ मारनी शुरू की हुई हैं, बड़ा आप कहते हैं जी हम लंदन की अदालतों से जो है वो हम सरखरू हो गए हैं, और पाकिस्तान की अदालतों में तो सामने आओ, बुलाओ सलमान शहबाज को। उसको कौन सा कमर का दर्द है, उसको कौन सा दिल की बीमारी है, वो कौन सी बीमारी में मुबतला है। जो शहबाज शरीफ की ख़ास तौर के ऊपर जो केस है वो बड़ा वाज़े है इस लिहाज से कि 16 अरब रुपए की जो शहबाज शरीफ के रमज़ान शुगर मिल के 14 मुलाजमीन के अकाउंट्स के अंदर 16 अरब रुपए आता है। 17,000 जो है वो ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मैंने तहरीक इंसाफ की ट्रेनिंग कराई हुई है। जो घबराए हुए हैं उन्हें अब चौधरी शुजात की सेहत याद आ गई है। चौधरी फैमिली पर पूरा एतमाद है। मुनिस इलाही काम को जिहाद समझकर कर रहे हैं, उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन 5,000 बड़े डैम बना चुका है, हमने अब तक सिर्फ 2 बड़े डैम बनाए हैं। डैम्स ना बनने की वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। अगर हमने डैम्स बनाए होते तो बिजली महंगी ना होती। बड़ी अच्छी बात की आपने, कहा कि तहरीक इंसाफ को घबराना नहीं चाहिए मीटिंग से। देखिए तहरीक इंसाफ की सी ट्रेनिंग करवाई हुई है 25 साल में उन्होंने ऐसे मुश्किल वक्त देखे हैं कि वो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इतमाद है। जनाब जनरल मुजम्मल, मैंने कभी भी किसी को जिहाद समझ के काम करते नहीं देखा, तो मैं आज ख़ास तौर पे आपको खिराज तहसीन पेश। चाइना 5,000 बड़े डैम्स बना चुका है। विफाकी वज़ीर मोनस इलाही ने कहा कि घर आने वालों को मिलना और वेलकम करना हमारा काम है। सियासी लोग ताल्लुकात बनाते और निभाते हैं। वज़ीर आज़म अपने साथियों से कह दें घबराना नहीं, हम सियासी लोग हैं, लोगों से मिलना हमारा काम है। पाकिस्तान के लिए नए डैम्स बनाना बहुत ज़रूरी है। मोनिस इलाही ने कहा कि कालाबाग डैम का प्रपोजल जल्द काबीना में लेकर जाएंगे। गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल को अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं। सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें घबराना नहीं। अनकरीब हम प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से कैबिनेट के आगे लेके जाएंगे एक प्रपोजल कालाबाग डैम का। वो इसलिए भी ज़रूरी है, डिटेल्स फिर इंशाल्लाह जब आएंगी तब हम डिस्कस कर लेंगे। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि जितने डैम्स और रिजर्वोर्स इस वक्त बन रहे हैं, जब तक ये तैयार होंगे तो हमारा स्टोरेज लेवल जो है वो उधर ही आ जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ और उनके बेटे लंदन में बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं, बस कौम के पैसे वापस कर दें। इस हाकडार और नवाज शरीफ की जुर्रत नहीं कि वापस आकर केसेस का सामना करें। इमरान खान की वजह से ये सब चोर एक हो गए हैं। इस तरह इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को लूटा है, पाकिस्तान के मजदूर को लूटा, पाकिस्तान के बिजनेसमैन को लूटा है। और मैं हैरान हूं कि आज भी लोग किस मुंह से नवाज शरीफ एंड कंपनी के साथ देते हैं। जब तक ये पैसा वापस नहीं आता, पाकिस्तान के अवाम कतई तौर के ऊपर नवाज शरीफ एंड कंपनी को माफ नहीं करेंगे। असी अलहमदुलिल्लाह जो तुहाडे नाल वादा कीता है, कोशिश की है, उन्होंने पूरा करिए। कोई गल मैं ऐसी नहीं की जी असी पूरा सकिए। सिर्फ अफसोस है 70 साल इन्होंने पिंडादन खान तहसील के ज़ाया कर दिए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का इस्तेहकाक है, तहरीक अदम एतमाद का सियासी तौर पर मुकाबला करेंगे। अपोजिशन के सफ़ों में यकसुई नहीं है, नून लीग में दो धड़े हैं, एक धड़ा अदम एतमाद और दूसरा इंतखाबात के हक़ में है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये चौधरी बरादरान से वोटों की भीख मांगने क्यों गए, वोट मांगने जाना नून लीग के बयानिए की नफ़ी है, इनका बयानिया कल दफन हो गया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद अपोजिशन का इस्तेहकाक है, ज़रूर पेश करें। हम उसका सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह उन्हें शिकस्त देंगे। मेरी नज़र में उनकी सफ़ों में यकसुई नहीं है। मेरी नज़र में आज भी अपोजिशन गो मगो की शिकार है। नून लीग के अंदर दो धड़े हैं, एक तहरीके अदम एतमाद के लिए जुस्तजू कर रहा है और दूसरा कह रहा है कि हमारा तो ये बयानिया ही नहीं है, हम तो नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाक फ़ौज से मुतालिक पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात में पाक फ़ौज से मुतालिक पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात में पाक फ़ौज से मुतालिक पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाक फ़ौज से मुतालिक पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। शाकिर, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाक फ़ौज से मुतल्लिक़ पेशवाराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा जो कि खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल है, उस वाले से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। साथ साथ जो बॉर्डर के हवाले से और अफगानिस्तान की जो खित्ते की सूरत हाल है, इस हवाले से भी तफसीली तौर पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा मुतल्लिक़ा जो है वो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उस हवाले से भी तफसीली तौर पर जो है वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया। और खित्ते की मजमूई सूरत हाल जो है सिक्योरिटी सूरत हाल, उस हवाले से भी तफसीली तौर पर जो है वो डिस्कशन की गई। जी, बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, आपने अपडेट किया। सदर ममलकत आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई। मुलाकात में कौमी सलामती और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। सदर ममलकत को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना तैयारी और दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का मुल्क से पुरतशद्दुद अनासर के खात्मे के अज़्म का अयादा। सदर ममलकत का बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन में जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अक़ीदत। कौम को अपनी मुसल्ह अफवाज की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से ये कहा गया कि मुसल्ह अफवाज ने तमाम मुश्किलात के बावजूद मुल्क की सरहदों का दिफा किया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत इजलास हुआ। 179 मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पेशरफ्त का जायजा लिया गया। 66 करप्शन मुकदमात को एहतसाब अदालतों ने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। नैब एलामिया के मुताबिक 94 बदउनवानी के मुकदमात एहतसाब अदालतों में ज़ेर इल्तिवा हैं। मजमूई तौर पर मुलजिमान को 4.364 अरब रुपए की सज़ा सुनाई गई। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। बदउनवानी के खिलाफ जंग नैब की अव्वलीन तरजीह है, चेयरमैन नैब की जानिब से ये कहा गया। मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी अमरीन अली से। जी अमरीन, अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में 189 मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि 179 मेगा करप्शन मुकदमात में से 66 मेगा करप्शन मुकदमात को एहतसाब अदालतों ने कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। अब तक 94 बदनवानी के मुकदमात एहतसाब अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। तर्जुमान नैब ने बताया कि मुकदमा केसेस की जल्द समाअत के लिए इंतजाम अदालतों में कानून के मुताबिक दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमरीन अली, आपने अपडेट किया। कैपिटल टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह कत्ल केस में पेशरफ्त हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत से गिरफ्तार 4 मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज़ की तौसी कर दी गई। अदालत ने वकील की दरख्वास्त पर मुलजिमान के मेडिकल कराने का हुक्म दे दिया। मुलजिमान को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने पर सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश किया गया था। मुलजिमान से तफ्तीश होना बाकी है, जिसके बाद मज़ीद सूरत हाल वाज़े होगी। तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़, जबकि मुलजिमान से मज़ीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा की गई, जो मंजूर कर ली गई। मुलजिमान से की गई 14 दिन की तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। मुलजिमान की रिकॉर्डिंग की DVR कब्जे में ली गई है। मुलजिमान के मोबाइल फ़ोन की CDR निकलवाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वकूए के वक्त की CCTV फुटेज कब्जे में ली गई है। मुलजिमान के आपस में राबते के सबूत इकट्ठे किए गए। मुलजिमान से अहम उमूर पर तफ्तीश जारी है। केस में मुलजिम आमिर भट्ट, फरहान शाह, अमजद पाशा और हैदर अब्बास को गिरफ्तार किया गया था। मुआविन खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान कहते हैं, पोलियो के खात्मे के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलकर पोलियो का खात्मा करना होगा। सेहत के शोबे में अफगानिस्तान की मदद करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में सेहत की तालीम बेहतर बनाने की ज़रूरत है। डॉक्टर फैसल सुल्तान की जानिब से ये कहा गया कि पुलिस पोलियो के खात्मे के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलकर पोलियो का खात्मा करना होगा। रह गए हैं जहां पोलियो, वाइल्ड पोलियो वायरस जो है अभी भी मौजूद है, और हम सब के लिए, बतौर पाकिस्तानियों के लिए या बतौर अफगानियों के लिए ये एक बायस परेशानी भी और हमें नदामत भी इसमें होती है कि लोग कहते हैं कि बाकी सारी दुनिया से ख़त्म होगी तो यहाँ क्यों रहेगी। तो ये हमारे लिए एक नेशनल प्राइड का भी मसला है। हम बतौर इस कुर्रा अर्ज़ पर बैठे इंसानों की भलाई के लिए, सब के लिए, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इस बीमारी की जो आखिरी जड़ है इसको हम ख़त्म करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मिलकर ही इस बीमारी का जो है ना मुकम्मल खात्मा कर सकते हैं। अफगानिस्तान में जो इस वक्त सर्विसेज इंप्रूव करने की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है, उनके रास्ते भी उन्होंने कुछ हमें सजेस्ट किए हैं और हम इंशाल्लाह उसमें बिल्कुल उनके साथ मिलकर काम करेंगे। उसमें कुछ का ताल्लुक जो हस्पताल, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान की मदद से ओरिजिनली हस्पताल बने, उनकी बेहतरी, उनके बेहतर फंक्शन होने के लिए, उनके इक्विपमेंट के लिए, उनके स्टाफ के लिए जो भी कोशिशें करनी हैं वो हम इंशाल्लाह मिलकर उनके साथ करेंगे। तालीम के मयार से, तालीम के मामलात में, मेडिकल की जो तालीम है, ख़ासतौर पे पोस्ट ग्रेजुएट जो तालीम है, उसमें बहुत सारे अफगानिस्तान के अंदर कंसल्टेंट मौजूद हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइड हैं और उनमें बेशतर तादाद जो है वो पाकिस्तानी इदारों से ट्रेन है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये चीज़ बढ़े और अफगानिस्तान के अंदर जो डॉक्टर साहिबान और ख़वातीन हैं, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, वो बेहतर से बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में और स्पेशलिटीज़ में और उन एरियाज़ में तालीम हासिल कर सकें ताकि जाके वो अपने लोगों की मौसर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का अख्तिताम हुआ है। 100 इंडेक्स 435 पॉइंट्स कमी से 45,644 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 76 पैसे महंगा होकर 175 रुपये 47 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे इजाफे से 178 रुपये 20 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 50 रुपये कमी से 1,26,400 रुपये पर पहुँच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 42 रुपये कमी से 1,08,400 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में 4 डॉलर की कमी से फ़ी ऑन सोना 1,856 डॉलर पर पहुंच गया है। खबरें आपने जानी न्यूज़ स्टूडियो से।